हमने काफी प्रदेशों के पदाधिकारी बुलाए थे, उनके समक्ष हमने अपनी बात को रखा था 24 दिसंबर में, और हमने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी बोला था कि हम चाहते हैं कि चर्चा की जाए। लेकिन हमें पता लगा है कि जो इस यूनिवर्सिटी के डीन है वो विदेश में घूमने गए प्रिंसिपल, और देश की बेटी यूनिवर्सिटी के बाहर वो हड़ताल पर बैठी है, और जिन लोगों पर एफआईआर है वो विदेश में घूम रहे हैं। ये कृत्य किस प्रकार से और कहां से किया जा रहा है ये आप सभी लोग जानते हैं, और इसी के समक्ष में एक बात मुख्य रूप से देश की बेटियों को मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि ये एक बेटी का सवाल नहीं, ये देश में लाखों बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो, चाहे शिक्षक को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से उत्पीड़न हो महिलाओं का, और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं देश की बहन बेटियों को मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूं कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया नहीं गया, आपको केवल वो चीजें पढ़ाई गई जिनका आपकी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ये जिस कुर्सी पर देश की महिलाएं अपने माता पिता आईएएस पीसीएस का नाम कर रही है, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठी है, ये न मनुस्मृति की देन है, न हिंदू कोड बिल की देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की देन है, जो पूरे देश से लोहा लेकर इस देश की महिलाओं के लिए लड़े, और आज उस लड़ाई को देश की बेटी डॉक्टर रितु सिंह आगे बढ़ा रही है। मैं देश की बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमें इस धोखे में नहीं रहना है कि हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा घर जले। मैं वही कह रहा हूं कि लाखों बेटियों का मामला है, और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा देश की बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं देश की बेटियों की तरफ से। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन मजबूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि कदमों में बैठकर कब तक न्याय मांगोगे, कदमों में बैठकर कब तक न्याय मांगोगे, वो लोग न्याय नहीं देंगे आपको। मैं देश की बहन बेटों से कहना चाहता हूं कि स्ट्रांग जूता पहन के रखना होगा, स्ट्रांग जूता पहन के रखना होगा, और विरोधियों को यह कहना होगा कि सीट बेल्ट को मजबूती से कस के बांध लीजिए, माहौल कभी भी खराब हो सकता है। इसलिए आज हमारी बहन रितु सिंह ने यह निर्णय लिया है, भीम आर्मी जयभीम संगठन का यह कर्तव्य है, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं कि बहनों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए हमें देश में आंदोलन करना पड़े, हमें जेल जाना पड़े, निसंकोच सरकार बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे। और इस बहन ने निर्णय लिया है कि 15 दिन बाद हम यूनिवर्सिटी का ताला लगाएंगे, यह सच है, ये भीम आर्मी जयभीम संगठन की तरफ से भी क्लियर है कि ताला लगाया जाएगा, और अगर 15 दिन के बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, मैं देश के बहनों से भी और खासकर भाइयों से भी, युवाओं से कहना चाहता हूं, खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से, कि आप मुझे रोज फोन करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है, आप मुझे रोज फोन करते हैं पूरे देश से कि विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये आपकी शिक्षा पर लगाम लगाना चाहते हैं, इसलिए तो यही है, आपको मालूम है। लेकिन ये समय शिक्षा और शिक्षक की क्रांति लाने के लिए है, जो हमारे बीच में साथी अपनी नौकरी को खोकर बैठे हैं आपके बीच में, ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने सब कुछ गवा दिया, इन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे किसी भाई की नौकरी न छूटे और किसी का घर न जले। ये शिक्षक देश के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं, इसलिए मैं देश के स्टूडेंट लॉबी से ये कहना चाहता हूं कि ये शिक्षा के प्रति एक क्रांति का समय है। 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे, यूनिवर्सिटी के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 15 दिन तक इंतजार करेंगे, और 15 दिन बाद हम अनाउंस करेंगे कि पूरे देश का स्टूडेंट विंग दिल्ली की ओर कूच करेगा, पूरा बहुजन समाज दिल्ली की ओर कूच करेगा। और इस दौरान मैं घोषणा और करता हूं कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक
बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन संविधान में क्या लो है, संविधान में तो आरक्षण जीरो बैलेंस पर एडमिशन होना होता है। और ये लिखा है संविधान में कि यूनिवर्सिटी कॉलेज को तभी परमिशन दी जाएगी जब आप एससी एसटी के बच्चों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन देंगे, लेकिन आज हो क्या रहा है? मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, मुझे रोज फोन करते हैं, लेकिन ये अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। हो क्या रहा है? एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए जितनी भी यूनिवर्सिटियां देश के अंदर हैं जहां जीरो बैलेंस पर एडमिशन नहीं हो रहा है, उन यूनिवर्सिटी को हम चलने नहीं देंगे। वहां भी हमारे आंदोलन अब जारी होंगे पूरे देश के अंदर, उन यूनिवर्सिटी में आंदोलन करेगी, हमारी बहन जाएगी वहां पर, रितु सिंह, और हम सब लोग पहुंचेंगे देश की सभी यूनिवर्सिटियों में, एससी एसटी ओबीसी के आंदोलन छिड़ेंगे कि जीरो बैलेंस पर जब संविधान में लिखा है तो एडमिशन मिलना चाहिए, हम फीस नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे आज डिप्लोमा डिग्री नहीं ले पा रहे हैं, बैचलर पीएचडी फिलोसफी ये डिग्रियां नहीं ले पा रहे, मैं जानता हूं। और जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे कैसे आप? वो आपको गुलामियों की बेड़ी में चढ़ने जा रहे हैं और आप चुप बैठे हैं घर में। जो लोग आवाज नहीं उठाते वो लाशें उठाते हैं, अब लाशें उठाने का वक्त नहीं है, आवाज उठाने का वक्त है, घर से निकलने का वक्त है। और जो हमारे भाई अंबेडकर मूवमेंट के बहुत बड़े रिसर्चर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी, मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं, क्या फुले साहब अंबेडकर की बात करना गलत है? कितना उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। हम सरकार के और शासन प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल की तरफ से कहना चाहता हूं, सरकार को भी और प्रशासन को भी, कि वो एक अपने समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से वो नौकरी कर रहे हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश के बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे, वो उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? आप उनको सस्पेंड कर देते हैं, यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं बच्चों को, वो कितने हजारों बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, वरना डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। जिस दिन ये भाई तय करेंगे हम बता देंगे कि हम लोग कितने लोग हैं, कितनी ताकत में आए, और हमने करके भी दिखाया है। इसलिए जो डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल जी का जो प्रमोशन रुका हुआ है, उनका प्रमोशन अगर नहीं किया गया तो ये भी आंदोलन एक भयंकर रूप लेगा, ये भी घोषणा होगी। और एक भोर भाई है हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, उनका भी कितना उत्पीड़न किया जा रहा है। वो भाई फूले साहब अंबेडकर की बात करते हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है। आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग करना क्या चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप चर्चा कीजिए ना, अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से नफरत है तो फिर आपको कुर्सी पर बैठने कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कुर्सी संविधान की देन है, ये कुर्सी संविधान की देन है, आपको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 15 दिन का समय यूनिवर्सिटी दिल्ली को हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं कि यदि 15 दिन में जिस प्रकार से फर्जी एफआईआर कराकर डॉक्टर रितु के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराई और उनको फर्जी तरीके से निकाला गया, और वो फर्जी एफआईआर कराने वाले लोग कौन है, उनको अरेस्टिंग नहीं किया जाता, और जो जिन विद्यालयों के अधिकारियों ने या प्रिंसिपल ने जो ये रचना घटना रची है, जो ये खेल खेला है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो न कोई भीमार्मी जैविक संगठन कार्यकर्ता चुप रहेगा, न कोई पदाधिकारी चुप रहेगा। हम लोग इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाएंगे, और इस देश की सभी तमाम यूनिवर्सिटियों से भी वो अपने भाई की बात को सुन रहे हो कि तैयारी कीजिए, ये वक्त अब शिक्षा के प्रति क्रांति करने का आ गया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि नौकरियां कम मिलेगी, वो नौकरियां आपको शिक्षा ही नहीं दे रहे तो नौकरी कहां से मिलेगी आपको, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे नौकरी मिलेगी आपको। तो मैं युवाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए, अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, अब अपनी बात को हमारे बीच में बाकी हमारे साथी रखेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं अंतिम में कि इस मोमेंट के लिए और खासकर देश के शिक्षित और स्टूडेंट विंग के लिए मैं आज दिल्ली से वादा कर रहा हूं, जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बच्चों को स्कूलों में विद्यालयों में यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिया जा रहा है, कि आपका भाई आपकी लड़ाई को, आपके शिक्षा की लड़ाई को मरते दम तक, लहू का जब तक आखिरी कतरा रहेगा लड़ा जाएगा। जय भीम, जय संविधान।